हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू शिक्षित। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर गोइंग गुड विद योर प्रिपरेशन। तो लास्ट क्लास में हमने कवर करा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमने वो कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफ़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो मस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो एक क्वेश्चन आए, चाहे दो आए, चाहे चार आए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके इजीली बन सकते हैं। तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है। और चलिए, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है? पार्टनरशिप क्या होता है? पहले तो अकाउंट्स हम बाद में करते हैं, आज डिस्कस करते हैं पहले कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप बेसिकली होता है कि दो या उससे ज़्यादा लोग जब कोई काम करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब ये लिखा कहाँ हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था 1932 का, इसके सेक्शन 4 ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि पार्टनरशिप एक्चुअली में पार्टनरशिप हम कहते क्या है। उसमें सरल भाषा में उसमें भी यही लिखा था कि जब दो या उससे ज्यादा लोग किसी बिजनेस को शुरू करते हैं फॉर देयर प्रॉफिट्स तो उसे हम पार्टनरशिप कंसिडर करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जब ये एक्ट आया था 1932 में, तो जो लिमिट थी, अब ये तो दो टू और मोर तो हो गए, टू तो हो गया ये मिनिमम नंबर, कुछ मैक्सिमम भी होना चाहिए, इससे ज़्यादा लोग हो नहीं सकते पार्टनरशिप में। तो एक्ट क्या कहता था, 1932 वाला एक्ट कहता था कि अगर कोई बैंकिंग का काम है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें आप 10 लोग से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। और जो नॉन बैंकिंग की लिमिट थी वो थी 20। ये तो एक्ट कहता था 1932 वाला। लेकिन अब आपको जैसे पता है जो भी करंट सिनेरियोज हैं, ठीक है, एक्सपेंशन हुई बिजनेस, जो 1932 में जिस हिसाब से बिजनेस थे आज उस हिसाब के 100 टाइम्स बिजनेस हो चुके हैं, तो ये जो लिमिट थी ये भी रिवाइज करने की जरूरत थी। तो ये लिमिट रिवाइज करी आपके कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट 2013 ने ये जो लिमिट थी मिनिमम मैक्सिमम नंबर वाली, इसको कंपनीज एक्ट ने रिवाइज करा। और रिवाइज करके क्या कर दी, अब ये लिमिट होगी है 50 पीपल, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, आप 50 लोगों से ज्यादा एक पार्टनरशिप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमारे मुद्दे क्या रहेंगे? पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमारे जो ब्रॉड मुद्दे हैं वो है, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें इश्यूज क्या क्या आते हैं और किस तरह से इसे टैकल करता है। उसके बाद पार्टनरशिप में क्या होता है, एडमिशन, मतलब आपकी कोई पार्टनरशिप रनिंग है उसमें नया पार्टनर आप ऐड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम एडमिशन। तो इसमें भी हम इसकी भी अकाउंटिंग सीखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें अकाउंट्स के रिलेटेड ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। अब एडमिशन हुई है तो रिटायरमेंट भी हो सकती है, अगेन इसकी अकाउंटिंग, या डेथ, रिटायरमेंट या डेथ। ठीक है, और क्या हो सकता है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बंद भी हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, अगर कोई घाटा पड़ गया तो डिसोल्यूशन। ठीक है, ये जो मुद्दे हैं इनमें जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है गुडविल का। गुडविल क्या होती है, हमने पहले वाली क्लासेस में भी डिस्कस करा है। गुडविल होती है बिजनेस की रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन को जब हम अकाउंटिंग में लेते हैं तो ये मॉनेटरी टर्म्स में आ जाता है। ठीक है, तो जो मॉनेटरी टर्म्स में हम रेप्यूटेशन को मानते हैं उसे हम गुडविल कहते हैं। तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग तरह से इन तीनों केसेस में होता है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आपका ये बहुत एक क्रूशियल चैप्टर है तो इस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसका कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। चलिए, अब पार्टनरशिप, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई पार्टनरशिप एक्चुअली में वो पार्टनरशिप है? कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि मैं या जो मेरे साथ दोस्त है, मेरे चार लोग और हैं, वो हम पार्टनर्स हैं? तो उसके लिए हम बनाते हैं पार्टनरशिप को रिकॉग्नाइज करने के लिए पार्टनरशिप डीड।
इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। और कुछ नहीं, ये सिर्फ इसमें आपके जो पार्टनरशिप के टर्म्स हैं, जैसे कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या पार्टनर्स के नाम या फर्म का एड्रेस, ये सब जो चीज़ें हैं, पूरी एक एक्सटेंसिव लिस्ट है। ये आप लोगों ने अपने आप एक बारी चेक कर लेनी है, गूगल कर लेना या किताब में भी आप देख सकते हो। तो ये आपने चेक कर लेना है कि इसके 1, 2, 3, 4 ऐसे काफ़ी सारे जो हैं टर्म्स होते हैं, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और अलग अलग सैलरी, रेमुनरेशन, सब कुछ जो है पार्टनर्स का, जो भी होगा बिजनेस में, जिस भी तरह के खर्चे होंगे पार्टनर्स से रिलेटेड, वो आपके जो ये हैं म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स हैं। ये यहाँ का कीवर्ड है, म्यूचुअली एग्रीड। जो पार्टनरशिप डीड में टर्म्स होती हैं वो सारी म्यूचुअली एग्रीड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मुझे पसंद आया मैंने लिखवा दिया और उस पर वो पार्टनरशिप डीड बन गई। वो सारे पार्टनर्स की मान्य होनी चाहिए, मतलब सभी पार्टनर्स के उसके ऊपर साइन होते हैं, उस पर डेट डलती है कि किस डेट को ये पार्टनरशिप जो है वो एक्टिव हुई है और किस डेट पे ये डीड जो है वो साइन की गई है, राइट। चलिए, अब अगर तो पार्टनरशिप डीड है फिर तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड होगी फिर तो उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि आपका जो प्रॉफिट लॉस है कितना होगा, ठीक है। अगर तो पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट जो लॉस है जो एज पर टर्म्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई आपने, ठीक है, कोई किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वल हो जाएगा, इक्वली शेयर्ड होगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली शेयर किया जाएगा, ठीक है। उसमें ये जो है ये डिफॉल्ट कंडीशन है अगर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये स्पेसिफिक कुछ मुद्दे हैं जिन पे अक्सर प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ एब्सेंस, इसमें आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है पेपर में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इनमें से कौन सी जो आइटम है वो पार्टनर को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम, अगर तो पार्टनरशिप डीड है तो एज पर टर्म्स होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, अगर तो टर्म्स हैं तो टर्म्स के मुताबिक, अगर नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं। सैलरी एंड रेमनरेशन, मतलब कोई भी पैसा, सैलरी या कमीशन जो पार्टनर्स को है, अगर तो टर्म्स में मेंशनड है तो टर्म्स के हिसाब से आप उसको अकाउंटिंग कर देंगे, लेकिन अगर टर्म्स में सैलरी या रेमनरेशन या कमीशन किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है तो कोई सैलरी और रेमनरेशन किसी भी पार्टनर को अलाउड नहीं है, ठीक है। एक है कि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप को लोन दिया, आपने बाहर से लोन नहीं लिया, किसी एक पार्टनर से लोन ले लिया, तो अगर तो टर्म्स हैं तो टर्म्स के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन अगर टर्म्स नहीं है, अगर आपको कोई भी टर्म गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, तो ये जो लोन है ये 6% पर एनम पे माना जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर कोई भी टर्म मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के उसके ऊपर, तो आप उसको जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम पर चार्ज करेंगे और उस रिस्पेक्टिव पार्टनर को देंगे, राइट। ये तो बात होगी पार्टनरशिप डीड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक ऐसा सा खाता बनाया था जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे, जिसमें हम एंड में हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकाला करते थे, ठीक है। ऐसे करके एक अमाउंट आ जाया करती थी जो हम कहते थे कि हमारे हमें बिजनेस में फ़ायदा हुआ, लेकिन वो केस होता था सिर्फ सिंगल प्रोप्राइटर का, मतलब एक आदमी है, जो भी प्रॉफिट हुआ जो भी लॉस हुआ वो उसी एक व्यक्ति का है। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में ये पैसा जो है इस अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट किया जाता है, इसका नाम भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है,
ये जो नेट प्रॉफिट है ये उठकर यहां आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर कोई पार्टनर्स की और इनकम है, मतलब एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आना चाहिए, कोई आपने इंटरेस्ट दिया है, पहले खर्चों की बात करते हैं। अगर आपने कोई ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया है, इसका जो नेट प्रॉफिट है ये आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड पर। इस साइड क्या आएगा, कोई आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, फर्म के लिए खर्चा है लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ये आप एप्रोप्रिएट कर देंगे। इसमें ए बी सी कोई भी पार्टनर है, उनकी जो अमाउंट्स हैं, रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं, वो इंटरेस्ट में आ जाएगी। ये एक तरह से एप्रोप्रिएशन है, याद रखिए एप्रोप्रिएशन है, कोई खर्चा नहीं है। और क्या आ जाएगा इस साइड, अगर हम एक एप्रोप्रिएशन, नेगेटिव एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने कि ये यहां पर तभी लिखा जाएगा जब ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर तो ये मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना खर्चे के तौर पर शो कर देंगे, फिर वो यहां नहीं आएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये सिर्फ तब आएगा जब आपके पास वो टर्म्स में मेंशन नहीं है, मतलब ये आप सिर्फ एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, ये खर्चा नहीं डाल रहे हैं आप उसमें, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। अगेन अगर ये मेंशन नहीं है, अगर ये एज अ इनकम मेंशन होगा, अगर इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में, तो ये पार्टनरशिप की इनकम हो जाएगी और उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और क्या हो सकता है, सैलरी हो सकती है, अगेन अगर मेंशन नहीं है, अगर हम इसको सिर्फ एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ए बी एंड सी। जो भी अमाउंट रह जाएगी वो एज पर द टर्म्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर और कोई अगर टर्म मेंशन नहीं है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये तो बात होगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है। एप्रोप्रिएशन नाम आपको क्लियरली स्टेट कर रहा है कि ये सिर्फ एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। चलिए अब एप्रोप्रिएशन होगी, ठीक है, हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया कि ए को हमने कितना पैसा देना है, बी को कितना देना है और सी को, सॉरी बोर्ड कट गया, एप्रोप्रिएशन हो गई आपकी। आपने ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर निकाल लिया कि इस साल का जो प्रॉफिट है उसमें ए का पैसा कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। वो गया कहाँ, हमने उसमें क्या लिखा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक इस तरह का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट था, एप्रोप्रिएशन थी, यहां पर बैलेंस होगा कौन सा बैलेंस होगा, जो आपकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट होगा, डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पैसा है ये आप नेट प्रॉफिट डाल देंगे। और कोई प्रॉफिट है इस साइड आ जाएगा, कोई एक्सपेंस है इस साइड आ जाएगा,
और यहाँ हो जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, ठीक है। इस तरह का जो कैपिटल अकाउंट है ये बनता है आपका जब होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग। या यू कहे तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है इसमें जो कैपिटल का बैलेंस है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा हर साल, क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा और जो खर्चे हैं वो डिडक्ट होंगे। लेकिन अगर कुछ फर्म्स चाहती हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो सेम रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक करंट अकाउंट बना देते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जो सारी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में चलने देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये जो कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम रहेगा। यहां पर नेट प्रॉफिट की बजाय सिर्फ अगर कोई आपके पास एडिशनल कैपिटल है वो आ जाएगी, और इस साइड जो है कोई भी खर्चा नहीं आएगा, सिर्फ अगर कोई विड्रॉल है कैपिटल का विड्रॉल वो आ जाएगा और बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और कोई कैपिटल अपनी पैसा निकाल नहीं रहे हैं तो आपका जो बैलेंस है वो बिल्कुल सेम रह जाएगा, ठीक है। और उसके कॉन्ट्रेरी जो हमारी सारी एडजस्टमेंट्स थी वो चली जाएंगी हमारी करंट अकाउंट में। ये हो जाएगा करंट अकाउंट ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इसमें आपकी बाकी जो सारी ट्रांजैक्शंस रह गई थी वो इस अकाउंट में आ जाएंगी। राइट, उसमें आपके दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। किसमें, अगर आपकी फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल आप कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ करंट अकाउंट बनेगा, और कुछ नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में आप ये जो दो खाते हैं, फिक्स्ड वाले दो खाते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं, सारी जो ट्रांजेक्शन है कंबाइन हो जाती है और यहाँ पर करंट अकाउंट की बजाय सिर्फ कैपिटल अकाउंट रह जाता है, और फिक्स में आप ये दो खाते हैं जो अलग अलग बनाते हैं। आपको ईपीएफओ के पेपर में इस पे ज्यादा अकाउंटिंग में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन है वो सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आ सकते हैं, कि जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि अगर अगर उसमें क्वेश्चन सवाल में आपसे पूछ लेगा कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है फर्म तो क्या, तो करंट अकाउंट, तो कौन से अकाउंट मेंटेन होंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिक्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा अगर ऐसा है, और अगर फ्लक्चुएटिंग पूछ लेता है तो करंट अकाउंट जो है वो आपका प्रिपेयर नहीं होगा, उसको आप मेंटेन नहीं करेंगे। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप दो तरह से चार्ज कर सकते हैं, दो तरह से उसका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो वो चार्ज होगा या अप्रोप्रिएट होगा। चार्ज कब होगा, जब वो डीड में गिवन है, अप्रोप्रिएट कब होगा, जब वो डीड में गिवन नहीं है, ठीक है। चार्ज जब होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको फुल अमाउंट से चार्ज कर देंगे, जिस भी पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने मेंशन किया है डीड में उसको आप फुल अमाउंट से चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर आप अप्रोप्रिएट कर रहे हैं तो इसमें तीन सिनेरियो बन सकते हैं, एक आपके पास प्रॉफिट नहीं था तो
कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगी, कोई आप पैसा जो है वो नहीं शो करेंगे। अब है प्रॉफिट था, पूरा प्रॉफिट था, तो आप जो है फुल इसको अप्रोप्रिएट कर देंगे, जितनी आपको अमाउंट आपने अप्रोप्रिएट करनी है, जितना आपको अमाउंट इसमें अप्रोप्रिएट करना है। ठीक है, अगर है लिमिटेड प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सारे पार्टनर्स का मिला के 10,000 हो रहा था, लेकिन जो हमारे पास प्रॉफिट है वो सिर्फ 8,000 था। ठीक है, तो आप जो है 10,000 अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट में से होती है, उसके ओवर एंड अबव नहीं होती। चार्ज जो होता है वो प्रॉफिट से ओवर एंड अबव हो सकता है, उससे आपका लॉस आ जाएगा, लेकिन अप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट तक लिमिटेड होती है। तो आप इसको लिमिटेड चार्ज करेंगे, जितना प्रॉफिट है, लिमिटेड टू प्रॉफिट, जितना आपके पास प्रॉफिट है उसमें ये लिमिटेड रहेगा, मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा आप उसको अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे। राइट, चलिए। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज होता है। ठीक है, इसमें और भी आप अकाउंटिंग डिटेल में जा सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलता है इन केस ऑफ एब्सेंस, लेकिन वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नेसेसरी नहीं है। पेपर जो है हमारा थ्योरेटिकल पेपर है, अकाउंटिंग करने में करनी इतनी नहीं आएगी आपको, कभी भी अकाउंटिंग आएगी भी तो शायद इस चैप्टर से तो एटलीस्ट नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक अभी आएगा टॉपिक, उसमें कोई कैलकुलेशन पूछी जा सकती है, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, चलिए अब आता है मुद्दा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? जब पार्टनर अपनी कैपिटल में से, अपने बिजनेस में से कोई पैसा निकाल लेता है, उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें मसला कहाँ आता है, जो ड्राइंग्स हैं वो आपकी हर महीने भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई पार्टनर हर 15 दिन बाद पैसा निकाल रहा हो, कोई हर महीने निकाल रहा हो, कोई साल में एक बार निकाल रहा हो, तो जो इंटरेस्ट चार्ज है उसकी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने, अगर ये हमारे पास ईयर है, ठीक है, अगर तो आपने पैसा 1 जनवरी को निकाल लिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट पूरे साल के लिए लगना चाहिए, लेकिन अगर पैसा आपने 31 अक्टूबर को निकाला तो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ इतने पार्ट के लिए लगना चाहिए था। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं, ये आप हर इंटरवल पे, आप 2,000, 4,000, कुछ कोई भी अमाउंट आप हर महीने निकाल रहे हो, तो उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं अकाउंटिंग में? ठीक है, एक तो सिंपल आपका मेथड है, फर्स्ट मेथड तो आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। हमें ये क्लास जो है अभी अभी बंद करनी होगी, कुछ टेक्निकल एरर है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला हमारा जो मुद्दा है, ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने जो जो पढ़ा प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और जो हम आपके लिए जल्दी ही अकाउंट्स के, ईपीएफओ के लिए स्टडी नोट्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके अकाउंट्स के आएंगे, दे आर अंडर द प्रोसेसिंग स्टेज। ठीक है, वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, थोड़ा स्क्रूटनाइजिंग हो रही है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके लिए उसमें डाले जा रहे हैं। फिर आपको लॉ के और अदर सब्जेक्ट्स के भी जल्दी ही स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे जो अकाउंट्स के हैं वो जल्दी विद इन दिस मंथ आ जाएंगे, बाय 1 अगस्त आप वेबसाइट पर लाइव हो जाएंगे स्टडी नोट्स। ये स्टडी नोट्स आप PDF फॉर्मेट में, ऑनलाइन मतलब और ऑफलाइन दोनों अवेल कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, और मैं आने वाली किसी वीडियो में इसका लिंक भी जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।